तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तब हमें पॉइंट 3, -2, 1 की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना जो गिवन पॉइंट है वह पॉइंट ए है, तब पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर ये होगा। अब माना जो क्वेश्चन में गिवन प्लेन है वह पाई है, जो कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी के फॉर्म में है। अभी हम सीख चुके हैं कि जब प्लेन वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी के फॉर्म में हो एंड हमें पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर रखने वाले पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यदि हम प्लेन की इक्वेशन को देखें तो यहां डी की वैल्यू है 3 एंड वेक्टर एन कैप इसके इक्वल है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला में रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले हम वेक्टर ए एंड वेक्टर एन के डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो यह इसके इक्वल होगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर एन के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू -10 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसकी वैल्यू हमें 3 के इक्वल मिलेगी। अब हम इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे कि हमें डिस्टेंस ये मिलेगी, जिसे सॉल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर आएगा 13/3।